उनके राउस एवेन्यू कोर्ट जहां पर आज पेशी होनी है। सीबीआई ने यहां वहां उनको पेश होने के लिए बुलाया है और 16 लोग इस चार्जशीट में हैं, जिसमें लालू परिवार से 3 सदस्य हैं जो आपको इस वक्त कैमरे में नजर आ रहे होंगे। एक बार फिर से मैं आपको तस्वीरें दिखा सकूं, मीसा भारती के आवास से इस वक्त लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और मीसा भारती तीनों ही निकले हैं। चूंकि राबड़ी देवी कल पटना से दिल्ली पहुंची हैं, खासतौर पर सीबीआई ने उनको पेश होने के लिए बुलाया है, इसी वजह से यहां पर पहुंची हैं। और पहले ये माना जा रहा था कि लालू यादव कोर्ट नहीं जाएंगे, क्योंकि परिवार की तरफ से अर्जी दी गई थी कि वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हो, और चूंकि उनकी तबीयत सही नहीं है ये हवाला दिया गया था परिवार की तरफ से। लेकिन जो तस्वीर यहाँ पर है कि लालू प्रसाद यादव भी लैंड फॉर जॉब स्कैम के मामले में सीबीआई कोर्ट में, राउस एवेन्यू कोर्ट में पेश होने के लिए निकले हैं अपने घर से। और आपको बता दें कि ये 2004 से 2009 के बीच का मामला है, जब लालू प्रसाद यादव केंद्र सरकार में रेल मंत्री थे, और तब जो स्कैम को लेकर के जो आरोप लगा हुआ है, जिसमें परिवार से 3 लोग हैं, खासतौर पर लालू प्रसाद यादव, उनकी बड़ी बेटी मीसा भारती जो राज्यसभा सांसद है, और उनकी पत्नी राबड़ी देवी। इससे पहले आपको बता दें कि सीबीआई पूछताछ करने के लिए लालू प्रसाद यादव और उनके रिश्तेदारों के अलग अलग ठिकानों पर जा चुकी है, ईडी भी रेड करने जा चुकी है, और परिवार जो है लालू परिवार, वो खासतौर पर केंद्रीय जांच एजेंसियों के दुरुपयोग को लेकर का हवाला देते हुए कई बार आरोप लगाता रहा है। खुद तेजस्वी यादव ने इस बात को लेकर बिहार विधानसभा में जो है वो अटैक किया था। लेकिन इस वक्त लालू, राबड़ी और मीसा भारती तीनों ही निकल पड़े हैं कोर्ट में पेश होने के लिए। अपने सहयोगी अजय चाको के साथ निधि श्री, एबीपी न्यूज दिल्ली। तो तस्वीरें आप देख रहे थे मीसा भारती के घर के बाहर से, जहां पर इस वक्त की तस्वीरें हमने आपको दिखाई। अब से कुछ मिनट पहले ही लालू प्रसाद यादव बेटी मीसा भारती और पत्नी राबड़ी देवी के साथ रवाना हुए हैं राउस एवेन्यू कोर्ट के लिए। आज लालू परिवार सहित 16 जो चार्जशीट में जिन लोगों के नाम है उनको पेश होना है कोर्ट में। पहले ही इस तरह की जानकारी दी जा रही थी लालू परिवार की तरफ से भी, कहा गया था कोशिश ये थी कि लालू यादव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हो। लेकिन अभी जो तस्वीरें हमारे सहयोगी निधिश्री ने आपको दिखाई, उसमें लालू यादव भी इस गाड़ी में मौजूद हैं। राउस एवेन्यू कोर्ट के लिए अपनी बेटी और पत्नी के साथ लालू यादव रवाना हो चुके हैं। आपको बता दें, जमीन के बदले नौकरी का मामला है जिसमें पेशी होनी है। लालू, उनकी फैमिली और साथ ही साथ बाकी के जो आरोपी हैं चार्जशीट में जिनके नाम हैं, उन सभी की पेशी आज होनी है। निधिश्री जहां हमारे सहयोगी मौजूद हैं, निधि तस्वीरें हमने दिखाई, अपने दर्शकों को लगातार दिखा भी रहे हैं। लालू प्रसाद यादव पहले कहा जा रहा था कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेश होंगे, लेकिन अब वो खुद जा रहे हैं। क्या कुछ होगा कोर्ट में, कितनी देर बाद सुनवाई शुरू होगी, कितना वक्त पहुंचने में लगेगा? जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको सबसे पहले तस्वीरें दिखा दूं। ये घर है राबड़ी मीसा भारती का, जो राज्यसभा सांसद हैं, और उनके घर पर लालू प्रसाद यादव जब से सिंगापुर से आए हैं किडनी का ऑपरेशन करवाकर, तब से यही रह रहे थे। और आज उनको सीबीआई की तरफ से राउस एवेन्यू कोर्ट में पेश होने के लिए बुलाया गया था। उनकी पेशी थी, इसके साथ साथ चार्जशीट में 16 लोगों के नाम शामिल है, जिसमें उनकी पत्नी राबड़ी देवी भी हैं और बड़ी बेटी मीसा भारती हैं, जिनके घर पर खुद लालू प्रसाद यादव रह रहे थे। और ये घर से इस वक्त निकल चुके हैं लालू प्रसाद यादव। पहले ये कहा जा रहा था कि उनकी तबीयत खराब है, इस वजह से परिवार की तरफ से अर्जी दी गई थी कि वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही पेश होंगे। लेकिन आज गाड़ी में सबसे आगे बैठे हुए थे लालू प्रसाद यादव। हालांकि मीडिया ने कई बार उनसे सवाल पूछने की कोशिश की, बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने बात नहीं किया है। परिवार इस वक्त शांत दिख रहा था, लेकिन गाड़ी में आगे मास्क लगा करके लालू प्रसाद यादव जो है वो निकले हैं। पत्नी राबड़ी देवी, जो कि बिहार से खासतौर पर यहाँ आई है चूंकि उनको आज पेश होना था, और बेटी मीसा भारती भी है, तीनों यहाँ से निकले हैं और 10 मिनट के अंदर जो है वो राउस एवेन्यू कोर्ट पहुंच जाएंगे। 10 से 11 के बीच का समय दिया गया था पेश होने के लिए, फिजिकली अपियर होने के लिए विशेष तौर पर, और यही वजह है कि तीनों यहां से निकले हैं। चार्जशीट में जो 16 लोग हैं उनमें से ये 3 हैं, और इसके अलावा बाकी 13 लोग हैं जिनको फिजिकली आज अपियर होना है लैंड फॉर जॉब स्कैम के मामले में, और लालू प्रसाद यादव जो है उसको लेकर के फिलहाल निकल चुके हैं। जी तो निधि, जिस तरह आपने बताया कुछ 10 मिनट के बाद ही वो पहुंच जाएंगे राउस एवेन्यू कोर्ट में, अगर बात करें लालू यादव की यहाँ पर तो किस तरह नजर आ रहे थे वो? आपने कहा शांत बैठे थे, लेकिन बीमार है परिवार की ओर से कहा गया था। जी बिल्कुल, देखिए लालू प्रसाद यादव जब से किडनी का ऑपरेशन करा करके यहाँ पहुँचे हैं, करीब 2 महीने का वक्त हो चुका है, यहीं पर मीसा भारती के आवास पर ही वो लगातार रह रहे हैं। और हालांकि कई बार उनको यहाँ पर वॉक करते हुए देखा गया है, तो जिससे ये अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि उनकी तबीयत थोड़ी पहले से बेहतर ज़रूर हुई होगी। लेकिन परिवार की तरफ से जब डेट तय किया गया कि आज यानी 15 मार्च को उनको कोर्ट में पेश होना है, तो परिवार की तरफ से ये अर्जी दी गई थी कि क्या वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल हो सकते हैं। और लेकिन फिर
लेकिन ये कहा गया कि नहीं, आपको फिजिकली ही अपियर होना है। और जब आगे वो बैठे हुए थे तो काफ़ी शांत मुद्रा में दिखाई दे रहे थे। पहले से तबीयत थोड़ी बेहतर ज़रूर दिखाई दे रही थी, लेकिन अब तबीयत कितनी बेहतर है ये परिवार ही बता सकता है। लेकिन फिलहाल तीनों ही, यानी राबड़ी देवी और मीसा भारती और लालू यादव, तीनों निकल चुके। लेकिन इससे पहले हम देखेंगे कि जिस तरह से ईडी जब छापेमारी करने के लिए अलग अलग ठिकानों पर पहुंची थी, तो तेजस्वी यादव ने हमला करते हुए कहा था कि उनके परिवार में कई लोग बीमार है, जिसमें उतनी अपनी पत्नी का भी हवाला दिया था कि पत्नी जो है वो प्रेग्नेंट है और वो बार बार बेहोश हो जा रही हैं। जब तो इस तरीके से उन परिवार की तरफ से ये कहा गया था कि ईडी और केंद्रीय जांच एजेंसियां हमारे साथ लगातार अहम तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, इससे जुड़ी जानकारी भी पहुंचाते रहेंगे। कुछ ही देर में लालू प्रसाद और उनका परिवार पहुंच जाएगा राउज अपनी कोर्ट। क्या मजबूरी है मेरी बताइए, मैं अभी आपको बताती हूँ, मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए। नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP News आपको रखे आगे।